अयोध्या श्री रामलला में पॉलीथीन में प्रसाद बैन को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया आई है। अयोध्या के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम पॉलीथीन मुक्त भारत में सबको सहयोग करना चाहिए। यह कार्य बहुत अच्छा हुआ है। अब पॉलीथीन की जगह भगवान के प्रसाद को ट्रांसपेरेंट कागज या कपड़े के पैकेट में देने की व्यवस्था की गई है। यह सराहनीय कदम है। देखिए, प्रधानमंत्री घोषणा पूरे भारत में पॉलीथीन बंद करने की और सभी को कहा कि आप पॉलीथीन बंद कर दिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ नुकसान है। उस नुकसान न हो देश के लिए, तमाम हानियां होती हैं। इसलिए हमारे जो व्यापारीगण हैं वो स्वयं संज्ञान में ले रहे हैं। और यहाँ रामलला के जो प्रसाद चढ़ता था वो पारदर्शी पॉलीथीन में, उसकी पैकेट जो होती थी उन पैकेट बनाने वाले ने बंद कर दिया। प्रसाद चढ़ रहा है जो कागज़ के विकल्प में रूप बना हुआ है, ऐसे में जो पारदर्शी हैं उसमें प्रसाद जा रहा है, प्रसाद में रोक नहीं है, और जो पॉलीथीन रहा वही में रोक है। तो ये तो शासन का व्यवस्था है, शासन के व्यवस्था प्रशासन उसको पालन कराता है। इसलिए जो प्रसाद की बात कह रहे हैं, प्रसाद नहीं चढ़ रहा, ये गलत है। प्रसाद चढ़ रहा है, लेकिन उसमें नहीं चढ़ रहा है जो पॉलीथीन का बना हुआ पैकेट था, उसमें बंद हो गया है। हम लोग अयोध्यावासी है, प्रधानमंत्री के उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, और ये चाहिए भी। पॉलीथीन से गंदगी फैलती है, और जो प्रसाद के लिए बंद किए उसको कागज़ वगैरह में प्रसाद जैसे दिया जाता है, कागज़ का जो है थैला आता है और कपड़े का बैग आता है, उसमें प्रसाद दिया जाए। पॉलीथीन सफाई के लिए तो अच्छी है बंद होना। वो उस पॉलीथीन को आज काफ़ी दिनों से बंद चल रहा, उस पर लॉ भी बन गया है, जांच भी चल रही है, छापेमारी भी चल रही है, फिर भी लोग पॉलीथीन में रख के वे सामान बेच रहे हैं। लेकिन सामान प्रसाद थोड़ी बंद हुआ बेचना, पॉलीथीन की जगह कोई दूसरा चीज़ रख के बेचे सामान। प्रसाद दर्शन ये तो हिंदू का वो है, उसको थोड़ी कोई बंद कर सकता है। प्रसाद चढ़ा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते केवल पॉलीथीन में उसको वो करें, पॉलीथीन की जगह कोई दूसरा चीज़ उसमें पैक करके बेचे प्रसाद। और क्या नाम है? पंकज गुप्ता।